नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मल्टी क्रिएशन में आपका स्वागत है। बहुत सुंदर डिज़ाइन है लेडीज़ कार्डिगन। इसमें हमारे 9 के मल्टीपल में फंदे होंगे और 2 फंदे एक्स्ट्रा होंगे। तो यहाँ सैंपल के लिए मैंने 29 स्टिचेस लिए हैं, 10 नंबर की सिलाई यूज़ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी आ जाएगी रो 1। एस स्टिच पहला फंदा हमने ऐसे उठा लेना है, उसके बाद 1 और 2 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद हमने पहले फंदे को ऐसे घुमाना है या ऐसे पलटाते हुए बैक लूप से टू टुगेदर 2 का 1 कर देंगे। जाली नहीं डालनी यहाँ पे, 2 का 1 कर देंगे हम लोग। धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे, ये जाली डालते हुए बन गया। फिर से हम धागा अपनी तरफ लाएंगे और फ्रंट टू से 2 का 1 कर देंगे, आगे से 2 का 1 कर देंगे। इसके बाद हमने 2 फंदे सीधे बना लेने हैं। ये हमारे 9 फंदे हो जाते हैं। एस स्टिच के अलावा यहाँ से जो 2 फंदे सीधे बनाए थे, यहाँ से हमने यहाँ तक फिर से रिपीट करना है। तो फिर रिपीट करके बताते हैं एक बार फिर से। 2 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे, 2 फंदों का 1 कर देंगे बैक लूप से, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डालते हुए 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे और जाली डालते हुए 2 का 1 कर लेंगे फ्रंट लूप से। इतना ध्यान रखना है कि एक बार बैक लूप से करना है टू टुगेदर, एक बार फ्रंट लूप से, और किसको बैक से करना है किसको फ्रंट से करना है, इसलिए इसको ध्यान से देखते रहना आपने बिना स्किप करके। यहाँ पे मैं आपको 3 बार एक ही डिज़ाइन को रिपीट करके बताऊँगी और ध्यान से देखते रहना। और फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये फ्रंट लूप से 2 का 1 और ये 2 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे और स्टिच इसको भी सीधा बना लेंगे। यहाँ 3 बार आपको समझाया मैंने। ये आ गई हमारी रॉन्ग साइड रो 2। तो फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी ज्वाइन किया है तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे सुंदर सुंदर वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी और बेल आइकन को प्रेस कर देना, उससे जो भी नोटिफिकेशन होंगे आपके पास पहले पहुँच जाएंगे। जो अंगूठे का निशान बना होता है लाइक का, उसको आपने क्लिक करना है और लाइक कर देना है। अगर डिज़ाइन अच्छा लगेगा तो बाकियों को भी शेयर कर देना। अभी ये छोटे छोटे सैंपल आपको बता रही हूँ डिज़ाइन के, ये मैंने फुल स्वेटर के भी लेके आने फुल एकदम। तो जो देखना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो वो अभी से सब्सक्राइब कर लो ताकि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ये जो रो 2 है हमारी, यहाँ पे सारा हमने उल्टा ही बनाना है। ये इतना आसान डिज़ाइन है कि इसकी जो रॉन्ग साइड आएंगी वो सारी उल्टे ही आएंगी, क्योंकि कई व्यूअर्स बोलते हैं कुछ ऐसा डिज़ाइन बताओ कि जिसकी रॉन्ग साइड उल्टे ही आई सारी। तो ये वही डिज़ाइन है, इसकी जो रॉन्ग साइड आएंगी जितनी भी वो सारे हमने उल्टा ही बनाना है, सिर्फ सीधी सिलाई में ही इसका डिज़ाइन डलेगा। रो 2 भी हमने कम्प्लीट कर ली, अब हमारी रो 3 आ जाएगी। ध्यान से देखते रहना इसको। पहला फंदा एस स्टिच हमने स्लिप कर लेना है इसको। अब हमने क्या करना है, फ्रंट लूप से 2 टुगेदर, आगे से 2 का 1 कर लेंगे। अब ये वाले जो फंदे दिखाई दे रहे हैं, 1 2 2 सीधे कर लेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे। जो एक फंदा सीधा दिखाई दे रहा है इसको एक सीधा ही बना लेंगे जाली डालते हुए, फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब ये वाले 2 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 और 2। अब हमने बैक लूप से 2 टुगेदर, पीछे से 2 का 1 करना है। ये 9 फंदे हैं, अपने साथ साथ काउंट करते रहने हैं, कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए। अभी नेक्स्ट फिर से आपको रिपीट करके बता रही हूँ। फ्रंट लूप से 2 टुगेदर, 2 का 1, फिर 1 2 सीधे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 1 फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए 2 बार आपको बता दिया, तीसरी बार फिर से बता रही हूँ। अगर किसी को समझ नहीं आती है तो इसलिए मैंने 3 बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए बिना स्किप करके इसको देखना है, आराम से पहले समझना है, फिर इसको ट्राई भी करना है और फिर इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। बहुत ही अच्छा लगता है, ये लाइट कलर पे ज़्यादा खिलता है ये वाला डिज़ाइन, डार्क पे भी कुछ कुछ कलर पे दिखता है ये। ये बैक लूप से हमने कर दिया 2 टुगेदर, 2 का 1 कर दिया बैक लूप से, और लास्ट वाले को हमने स्टिच सीधा ही बना लेंगे और ये रो 3 कंप्लीट होगी। रो 4 हमारी सारा इसको हमने उल्टा ही बना लेना है, पर्ल ऑल।
आ जाएगी हमारी रो फाइव। रो फाइव में भी हमने पहला फंदा है ए स्टिच, इसको उठा लेना, स्किप कर देना है। और फिर से हमने फ्रंट लूप से आगे से दो का एक करना है, ये आगे से दो का एक कर दिया। अब ये जो दो फंदे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये दो फंदे सीधे बना लेंगे, एक दो, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, ये सेंटर में एक फंदा सीधा ही चल रहा है, इसके पहले भी जाली डालेंगे और बाद में भी जाली डालेंगे। जाली डाल के दो फंदे हमारे सीधे आ गए। अब हमने बैक लूप से ये वाले जो दो फंदे हैं इनको दो का एक कर देंगे। बस अभी फिर से हमने रिपीट करना है, यहाँ पे फ्रंट लूप से दो का एक, आगे से दो का एक कर दिया, ये वाले दो फंदे सीधे आ जाएंगे, एक और दो, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डालते हुए ये वाले फंदे को, सेंटर वाले को सीधा बना लेंगे, एक, फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे और ये जाली डालते हुए दो फंदे सीधे बना लेंगे। अब बैक लूप से दो का एक कर देंगे। बस यही हमने तीसरी बार भी यहाँ पे यही रिपीट करना है। अच्छे से समझ आ जाए इसलिए आपको तीन बार बना के बता रही हूँ, इसलिए ध्यान से इसको देखते रहना। जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ, दो फंदे सीधे, बैक लूप से दो का एक करेंगे। और फ्रेंड्स प्लीज़, मेरा 50 लाइक का टारगेट है, तो कंप्लीट कर मेरी सपोर्ट करना। ये हमारी रॉन्ग साइड आ जाएगी, यहाँ पे रो 6 हमारी, सारे इसको भी उल्टा ही बना लेंगे। अब आ गए अपनी राइट साइड रो 7 की तरफ। थोड़ा इग्नोर करना, यहाँ पे कभी लाइट आ रही थी कभी जा रही थी, तो मैं वीडियो में कुछ ख़राबी आ गई, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना। ये एज स्टिच हमने उठा के फ्रंट लूप से दो का एक कर दिया। फिर ये जो एक फंदा दिखाई दे रहा है इसको हमने सीधा बना लेना, एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ लाएंगे, ये तीन फंदे जो हैं इनको हमने सीधा बना लेना है, एक दो तीन। फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, अब बैक लूप से दो का एक कर देंगे। फिर से हमने रिपीट करना है टू टुगेदर से, जो फ्रंट लूप से पहले हमने दो का एक करना है, ये आगे से दो का एक कर लिया, फिर हमने एक फंदा सीधा बना लिया, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर बैक लूप से दो का एक कर देंगे। ये दो बार हो गया। अब तीसरी बार फिर से समझाती हूँ, फ्रंट लूप से दो का एक, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे सीधे, ये रो 7 है हमारी, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, बैक लूप से दो का एक, और लास्ट वाला फंदा स्टिच सीधा बना लेंगे। रो 8 हमारी रॉन्ग साइड पर्ल ऑल, इसको सारा उल्टा ही बना लेंगे। अब ये आगे राइट साइड में हमारी रो 9 डिज़ाइन दिखना शुरू हो गया है। पहला फंदा स्टिच हम उठा लेंगे, आगे से हमने, ये देखिए बहुत सुंदर लगता है, ये फ्रंट लूप से दो का एक कर लेंगे। बहुत ही आसान है ये, इसको बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, अब ये हमारे सेंटर के 5 फंदे हैं सीधे, इनको सीधा ही बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे सीधे आ गए, धागा अपनी तरफ लाएंगे, अभी बैक लूप से दो का एक कर देंगे। ये देखिए, फिर से रिपीट करती हूँ, आगे से दो का एक, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे सीधे, एक दो तीन चार 5 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जाली डालते हुए बैक लूप से दो का एक कर देंगे।
फिर से रिपीट, आगे से दो का एक धागा अपनी तरफ, पांच फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और जाली डालते हुए बैक लूप से दो का एक कर देंगे और लास्ट वाला फंदा स्टिच सीधा बना लेंगे। ये रो 9 कंप्लीट हो गई है। रो 10 हमारी आ जाएगी, सारी उल्टा ही बना लेंगे इसको पर्ल ऑल। ये देखिए बहुत सुंदर डिज़ाइन लगता है। ये टोटल हमारा 10 सिलाइयों का डिज़ाइन है। आगे कंटिन्यू करना होगा तो रो 1 से हम फिर से रिपीट करेंगे। बहुत ही सुंदर लगता है, ट्राई ज़रूर करना, लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ।